Hello everybody, welcome to yet another video. So today's video is going to be bit different because मैं कुछ share करना चाहता हूँ जो कि है मिर्ज़ापुर के related and this video is all about my friend जिसने एक concept art बनाया है, जिसने एक basically poster को जो है वो remake किया है but by drawing it and that is really very difficult. So what I am going to do is मैं उस फोटो को उस ब्लैक एंड वाइट फोटो को जो उसने हाथ से ड्रॉ किया है I'll try to make it colorful in Photoshop. So before that I'll just share what he has done in the poster. I just want to share some of the glimpse from his video as well. I'll put link to his video in the description so that if you guys want to watch full video जिसमें कि उसने काफ़ी बढ़िया facts बताए हैं video के बारे में, facts बताए हैं मिर्ज़ापुर के बारे में and how he had done all the processes and how he had done the overall sketch. And if you want to see the speed run and if you want to share his content then do check his page out or do check his channel out. I'll definitely suggest you, he makes so dope sketches. So here it is his video. Well, personally उसकी videos में जो है उसने charcoal use किया है for everything. उसका एक basic pattern है जो draw करने का, that is पहले एक base layer बना लेनी है charcoal से, then उसके बाद उस पर highlights add करनी है, then after that उस पर detailing add करनी है. वो छोटी से छोटी डिटेल की भी जो है छोटी से छोटी डिटेल का भी ध्यान रखता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई हेयर ग्रेन भी है तो उसने उसका भी ध्यान रखना है कि उसकी जो हाईलाइट है वो सही है या जो उसकी शेडो पड़ रही है वो सही है या नहीं है. एंड ही इज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. ओवरऑल वट ही इज डूइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. मैं वो करने की सोच भी नहीं सकता बट स्टिल आई ट्राई विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज फोटोशॉप में काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं बट जो ड्राॅइंग के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आती है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल, जो कि स्किल्स को नरिश करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है. वेल गाइज, ये था स्पीड रन मेरे दोस्त सौरभ की वीडियो का. आई फॉरगॉट टू मेंशन हिज नेम अर्लियर, हिज नेम इज सौरभ. सो दिस वाज द स्पीड रन एंड इसके बाद जो है मेरा काम शुरू होता है. व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है कलर्स ऐड करना शुरू किए फोटोशॉप में एंड आई विल शो यू हाउ आई डिड दैट. सो बेसिकली पहले मैंने डॉक्यूमेंट को रीसाइज किया और फोटो लेयर को लिया एंड उसके बाद मैंने पहले सबसे पहले एक मॉडल की फोटो ली जिसमें से मैंने कलर के जो है सैंपल्स निकाले. फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे ब्राइट, सबसे ज्यादा डल, सेमी ब्राइट और सेमी डल शेड्स लिए. उसके बाद मैंने ग्रेडिएंट मैप के साथ उन कलर्स को जो है ऐड किया अपनी फोटो में ताकि जो है एक स्किन टोन मेरे को मिल जाए. देन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो है मैं सही नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो कलर था स्किन का वो काफी ज्यादा ऑरेंज ही हो चुका था. एंड व्हाट आई फेल्ट इज आई शुड क्विट डूइंग इट बट आई स्टिल ट्राइड. सो मैं धीरे धीरे उसको करता गया एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उसको किया फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा लाइट इफेक्ट देकर थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी, थोड़ी सी इसकी जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं. देन आफ्टर दैट मैंने उसके हेयर के ग्रेन्स पर वर्क करना शुरू किया. हेयर के ग्रेन्स पर स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे देखकर मैंने देखा कि कहाँ चाहिए और कहाँ हाईलाइट जो है मेंटेन्ड रहे. एंड देन आफ्टर दैट उसके बाकी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट कह लो वहाँ पे भी मैंने धीरे धीरे जो है पेंट करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड लिप्स. अब लिप्स की जो बारी आती है दैट इज काइंड ऑफ फनी बिकॉज फर्स्ट आई हैव मेड इट सीन लाइक जो त्रिपाठी है वो अभी अभी जस्ट पान खाकर आ रहा है और वो बहुत गंदे तरीके से खाकर आ रहा है क्योंकि उसके जो लिप्स है वो काफी रेड रेड हुए पड़े थे. बट आफ्टर दैट मैंने सटल चेंजेस किए एंड वो काफी अच्छे लग रहे थे. देन मैं आया मुन्ना की फोटो पर. मुन्ना की फोटो के ऊपर भी मैंने सेम वही चेंजेस किए जो मैंने त्रिपाठी की फोटो पर किए थे. एंड इसके बाद जहां जहां पे जरूरत थी मैंने वहां वहां पे स्किन शेड्स दिए. एंड उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आई हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल ताकि जो कलर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहें और स्पिल आउट ना हो. फॉर दैट जो गॉगल्स में अली फैजल का कैरेक्टर था मैंने उसके ऊपर स्किन शेड ऐड किए. देन आई फेल्ट लाइक कि गन में जो है थोड़ा ब्लू शेड ऐड करना चाहिए, ब्लू टोन ऐड करनी चाहिए. देन आई ऑल्सो डिड दैट. गॉगल्स में जो सिखाया था मैंने उसको ब्लू कलर दिया. फिर मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगी कि लाइक व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ क्योंकि कलर से वो मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं थे पोस्टर में जस्ट बिकॉज इट वॉज सो गुड एंड सो न्यूट्रल. सो मैंने क्या किया, मैंने पोस्टर का रेफरेंस उठाया एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग इट by looking at it along with. So after that मैंने गोलू की जो फोटो है गॉगल्स में से उसको भी सही किया, उसको भी फिक्स किया. देन उस पर स्किन कलर ऐड किया. देन मैंने नेल्स को जो है सबके पेंट किया. देन मेरे को लगा इट्स टाइम टू वर्क ऑन द बैकग्राउंड.
सो देन व्हाट आई हैव डिड इज आई स्टार्टेड पेंटिंग द बैकग्राउंड, बट फिर मैंने देखा कि जो पोस्टर में है बैकग्राउंड दैट इज ऑफ ब्लू कलर, काइंड ऑफ ब्लू कलर एंड येलो कलर. सो व्हाट आई डिड इज मैंने सिंपली कलर जो है चेंज करने स्टार्ट किए. मेरे को ब्लू कलर जो था वो सही लग रहा था, बिकॉज आगे भी जो है आसमान, जो गॉगल्स में आसमान दिख रहा है उसमें भी ब्लू कलर है, सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन ब्लू. आफ्टर दैट मैंने सोचा कि लेट्स मूव ऑन टू द क्लोथ्स नाउ. मैंने फिर मुन्ना त्रिपाठी के जो क्लोथ्स है उसके ऊपर मैंने एक वैसे ही रैंडम कलर लेके यूज़ करना, पिक करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बट देन आई रियलाइज कि ये कलर थ्योरी के थोड़ा बाहर जा रहा है, सो देन आई चेंज द कलर एंड मेक इट लेस ट्रांसपेरेंट एंड येलोइश एज वेल. देन आई एडिड त्रिपाठी कलर विच वॉज ऑब्वियसली ग्रीन, आई बिलीव. I was not sure at that time, but I did it. So after that, मैंने कुछ subtle changes किए. For example, मैंने skin के जो shade थे उसको balance करना start कर दिया. फिर then जो lips पे थे मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा था, वो balance किया. And after that, I felt like यहाँ side पे काफ़ी जगह खाली है, I should better add the Mirzapur text or the logo. So I started doing it. It was not transparent at all. So what I did is मैंने एक टेक्स्ट पीएनजी को उठाया और उसमें से जस्ट सिंपली ब्लैक एरियाज को निकालना स्टार्ट कर दिया. ये काफ़ी छोटा चेंज था लेकिन स्टिल इस पर मेरे को काफ़ी टाइम लगा. इफ़ यू फील लाइक कि दिस वीडियो इज़ प्रीटी फास्ट, यू कैन स्लो इट डाउन बाय यूजिंग द स्पीड टूल इन द यूट्यूब सेटिंग्स. एंड ऑल्सो इट टुक मी 1 hour टू कम्प्लीट दिस होल एडिट. आई वॉन्ट से एडिट बिकॉज ऑल इट टुक माइन इज एफर्ट्स एंड स्किल्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ इसमें कलर्स ऐड किए. देन मैंने इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर लगाया. बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे को जो जो चेंजेस सही लगे कलर्स में मैंने वो ऐड किए. देन मेरे को लगा कि कुछ हाईलाइट्स और कुछ कॉन्ट्रास्ट पे अभी भी काम करना रहता है, तो फिर मैंने उसके बाद पर्टिकुलरली जो स्पेसिफिक सिलेक्टिव कलर टूल्स थे वो यूज़ किए एंड एक एक कलर को जो है वो बैलेंस करवाया एक दूसरे के साथ ताकि वो थोड़ा सही लगे. एंड आफ्टर दैट फाइनली मैंने इसे सेव कर दिया. एट एंड देर इज अ बिग बट बिकॉज आफ्टर दैट मैंने इसको नेक्स्ट डे देखा विच इज नाउ एट द टाइम ऑफ एडिटिंग. आई फेल्ट लाइक कि जो कलर्स हैं वो थोड़े क्ले ही लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्ले के साथ स्कल्पचर करते हैं तो वो वैसे लग रहे थे, न्यूट्रल नहीं लग रहे थे और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि दैट समवन हैज हैव फिल्ड द कलर इन इट. सो उसको करने के लिए मैंने ऑफलाइन कुछ और चेंजेस किए विदाउट रिकॉर्डिंग के. सो विद दैट जो मेरी फोटो थी वो थोड़ी सी चेंज हुई. सो दिस इज द फाइनल वर्जन व्हाट आई हैव एडिटेड. इट टुक 1 hour and I have given attention to detail and I was so happy at the end because black and white photo में colors add करना is a really difficult job to do. So वो करने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड गाइज आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर अगेन, इफ़ यू गाइज हैवंट चेकड आउट माय फ्रेंड्स चैनल डू चेक इट आउट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है एंड मेरे से लाइक 4 to 5 times जो है उसका हार्डवर्क ज़्यादा है. गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिर्ज़ापुर आ रहा है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. नॉट ओनली मी बट एवरी वन इज एक्साइटेड. सो लेट्स सी क्या होता है जब मिर्ज़ापुर रिलीज होगा. सो विद दैट सेट टेक केयर एंड गुड बाय.